स्वास्थ्य सेविकाओं के लिए निप्पल के दर्द से संबंधित वीडियो। निप्पल का दर्द आम बात है, पर यह मामूली दर्द नहीं है। यह काफी दर्दनाक होता है और कभी कभी निप्पल में दरारें पड़ जाती हैं, जिनमें से खून आता है। इन दरारों में से कीटाणु जाकर स्तन का इन्फेक्शन कर सकते हैं। यह वीडियो दिखाएगा कि कैसे निप्पल के दर्द को जांचकर मां की मदद करें। अक्सर निप्पल के दर्द की वजह शिशु का स्तन से ठीक से न जुड़ना होता है। इस दर्द से बचने के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद उसे स्तन से जोड़ें। जब शिशु को खुद से स्तन ढूंढने दिया जाए, तब वह अक्सर अच्छे से स्तन से जुड़ता है। निप्पल में दर्द ना होने के लिए अपनी निगरानी में हर माँ को उसके घर जाने से पहले ही शिशु को खुद के स्तन से जुड़ना सिखाएं। अगर निप्पल का दर्द शुरू हो जाए तो जल्दी से माँ की मदद करें। पहले देखें कि माँ स्तनपान कैसे करा रही है। यहाँ शिशु ने अपना मुंह पूरा नहीं खोला है और सिर्फ निप्पल को मुंह में लिया है, क्योंकि उसकी माँ की उंगलियां उसे स्तन का बड़ा हिस्सा मुंह में नहीं लेने दे रही। अब शिशु के निप्पल से बार बार फिसलने से माँ को निप्पल पर दर्द हो रहा है। माँ को दिखाएं कैसे वह शिशु के मुंह के कोने में उंगली डालकर उसे स्तन से अलग करे। निप्पल के आकार को देखें। जो निप्पल शिशु के मुंह के ऊपरी सख्त भाग से दबता है, वह नुकीला होता है, गोल नहीं। माँ को समझाएं कि शिशु की जीभ निप्पल को रगड़ती है और उसके मुंह के ऊपरी सख्त भाग से निप्पल को दबाती भी है। इससे निप्पल को चोट पहुंचती है। स्तनपान आरामदायक होने के लिए शिशु का सही तरह से स्तन से जुड़ना बहुत जरूरी है। स्तन का बड़ा हिस्सा मुंह में लेने से निप्पल शिशु के मुंह के काफी पीछे पहुंचता है। यही निप्पल के लिए आरामदायक जगह है, न कि वो जगह जहां निप्पल गहराई से जुड़ा ना हो और शिशु के मुंह के ऊपरी सख्त भाग से दबता हो। निप्पल के आरामदायक जगह पर होने से शिशु को काफी दूध मिलेगा। माँ की मदद करें कि वह शिशु को स्तन से गहराई से जोड़े। उससे कहें कि शिशु को ऐसे करीब से पकड़े कि वह उसके स्तन के सामने हो और उसका शरीर एक सीध में हो। फिर माँ शिशु की नाक अपने निप्पल के सामने लाए। दूध सूंघते ही शिशु अपना मुंह खोलेगी। माँ शांति से शिशु का मुंह पूरा खुलने का इंतजार करती है और मुंह के खुलते ही तुरंत शिशु को अपने स्तन पर लाती है। दूध के बहने के लिए माँ को हल्के से स्तन को दबाना चाहिए। शिशु को और करीब से पकड़ने पर स्तन से जुड़ाव और गहरा होगा। स्तन से गहरा जुड़ाव होने के संकेत हैं शिशु का मुंह पूरा खुला होना, स्तन के काले भाग का शिशु के मुंह के ऊपर ज्यादा दिखना और मुंह के नीचे कम दिखना, शिशु की ठोड़ी का माँ के स्तन को छूना, और हालांकि हम ठीक से देख नहीं सकते पर शिशु का निचला होंठ बाहर की तरफ मुड़ा होना चाहिए। अब इस माँ का निप्पल गोलाकार है, पहले की तुलना में जब शिशु ठीक से स्तन से नहीं जुड़ता था। स्तन से गहरे जुड़ाव के बाकी संकेतों की भी तुलना करते हैं। पहले शिशु का मुंह लगभग बंद था। स्तन का काला भाग उसके मुंह के ऊपर और नीचे बराबर दिखता था। उसकी ठोड़ी हल्के से माँ के स्तन को छूती थी और उसका निचला होंठ अंदर की तरफ मुड़ा होता था। अब शिशु का मुंह पूरा खुला है। स्तन का काला भाग शिशु के मुंह के ऊपर ज्यादा दिख रहा है और नीचे कम। उसकी ठोड़ी माँ के स्तन में ऐसे गड़ी है
कि उसका निचला होंठ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इन स्थितियों को सीखने में वक्त लग सकता है, पर इस माँ को मालूम है कि स्तनपान आरामदायक बनाने के लिए शिशु का स्तन से सही जुड़ाव बहुत जरूरी है। शिशु को गहराई से स्तन से जोड़ने के अलावा भी कुछ बातें हैं जिनसे निप्पल के दर्द से बच सकते हैं। जैसे शिशु को स्तन पर लाने से पहले ही माँ खुद अपने हाथ से थोड़ा सा दूध निकाले। स्तन से जुड़ाव को बेहतर बनाने के लिए अपनी बाजू से शिशु को और करीब लाएं। स्तन को दबाने से शिशु को जल्दी दूध मिलेगा और इससे स्तनपान में कम वक्त लगेगा। और आखिरी, माँ के दूध से निप्पल पर लगी चोट ठीक हो सकती है। स्तनपान के बाद दूध को निप्पल पर सूखने दें और निप्पल को हवा लगने दें। कभी कभी निप्पल को फफूंदी का इन्फेक्शन भी हो सकता है। शिशु के मुंह को अंदर से सफेद धब्बों के लिए जांचें। अगर धब्बे हों तो माँ और शिशु दोनों का इलाज करें। अगर माँ को HIV है तो वह स्तनपान स्वस्थ स्तन से कराए, ना कि उस निप्पल से जिसमें दरारें हों या जिससे खून आता हो। उसे अस्वस्थ स्तन का दूध हाथ से निकालकर फेंक देना चाहिए जब तक निप्पल ठीक नहीं हो जाता। निप्पल ठीक होने के बाद शिशु दोनों स्तनों से पी सकता है। माँ को समझाएं कि निप्पल का दर्द जल्दी ठीक होगा अगर शिशु स्तन से अच्छे से जुड़ा हो। अगर दर्द कम न हो तो उसे दोबारा आने के लिए कहें। याद रखें, निप्पल का दर्द आम बात है पर मामूली नहीं। स्तनपान आरामदायक होना चाहिए। निप्पल के दर्द से बच सकते हैं और गहरा जुड़ाव ही इसका इलाज है। शिशु को हमेशा ऐसे पकड़ें कि वह स्तन का बड़ा हिस्सा मुंह में ले, ना कि सिर्फ निप्पल को।